जैन दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, भारतीय डाक सेवक, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन जीडीएस भर्ती बोलते हैं, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती 30,000 पद पर निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें आपसे योग्यता कितनी मांगी गई है, और एक सबसे ज़रूरी बात कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके हाई स्कूल में जितने मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से होगा, मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो कितनी मेरिट वाले बंदे कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें या ना करें, ये सबसे ज़रूरी बात है, जो कि मैं आपको सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो बात करें इसके डाक विभाग के बारे में, तो डाक विभाग आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। जो चिट्ठी टिट्टी आती थी वही डाक विभाग है, या कोई अभी अभी भी कुछ चलता है, जैसे कि एटीएम वगैरह आता है, या किसी का ज्वाइनिंग लेटर आता है, कोई कोई भी आपका पोस्ट किया तो वो आपका डाक के द्वारा आता है, ठीक है। बात करें इसके ऑनलाइन डेट के बारे में, तो 3 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 23 अगस्त। बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको लगेंगे 100 रुपये, अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 भी रुपये नहीं देना है। एक चीज़ और ये है, सरकार जो है इतनी बड़ी भर्ती निकाल रही है, लगभग 30,000 पद हैं ये, ठीक है, और जो सिलेक्शन करवा रही है मेरिट के बेस पर करवा रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है ना। इसका एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। और एक चीज़ और इस बंदे अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं सिलेक्शन होगा, मैं आपको इसका फुल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताने वाला हूँ, इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बात करें एज लिमिट के बारे में, तो जो आपकी एज होना चाहिए, एज भी इसमें अच्छी खासी है, 18 से 40 साल आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में आपको इसमें छूट भी दी जाएगी, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो इसमें मिल जाएगी आपको 3 साल की छूट, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो आपको मिलेगी इसमें 5 साल की छूट, ठीक है। ये हुई आपका एज लिमिट और इसमें एज रिलैक्सेशन, ठीक है। आप बात करें कितने पद पर यह भर्ती निकली हुई है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, 30,041 पद पर यह भर्ती निकली हुई है, ठीक है, जिसमें आपके जनरल के हैं 13,618 पद, ओबीसी के 6,051 पद, ईडब्ल्यूएस के 2,847 पद, एससी के 4,138 पद, और एसटी के 2,669 पद, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के 718 पद, ठीक है। टोटल हैं 30,041 पद, इतने पद पर भर्ती निकली हुई है। बात करें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपकी जो योग्यता इसमें मांगी गई है वो सिंपल 10वीं पास मांगी गई है, जिसमें आपका लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज चलती है, हिंदी, तो आपका हिंदी का लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर बुंदेलखंड हो थोड़ी बुंदेली का ज्ञान हो चाहिए, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब बात करें आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें एग्ज़ाम होता नहीं है, मेरिट के बीच में आपका सिलेक्शन होता है। तो ये कौन कौन इसमें अप्लाई करना चाहिए, तो जैसे कि आप स्टेट बोर्ड से हो, दो बोर्ड चलते हैं, एक तो होता है आपका स्टेट बोर्ड और दूसरा होता है आपका सीबीएसई बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड की आपने मेरिट देखी होगी, सबसे जो कम मेरिट जाती है वो आपकी स्टेट बोर्ड की जाती है, अब तो काफ़ी जाने लगी है। और जो आपका सीबीएसई बोर्ड होता है ना, उसकी जो आपकी मेरिट जाती है वो जाती है 100, जैसे मान के चलो 100 का पेपर है, मतलब 100% है, तो 100 में से उनके सीबीएसई बोर्ड वाले ने पता कितने नंबर आते हैं, 100 में से 95, 100 में से 98, 100 में से 99, 100 में से 100 नंबर आते हैं, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट आप यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, एमपी, किसके आते हैं 100 में से 100 नंबर, बताइए 100 में से 100% किसकी बनती है। लेकिन ऐसा किस में होता है, सीबीएसई बोर्ड वालों की बनती है। तो अगर इसमें सीबीएसई बोर्ड वाला इसमें अप्लाई करेगा, ठीक है, अगर उसके नंबर आए हैं 100 में से 95 तो इसमें अप्लाई करेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसकी जो मेरिट जाती है वो पता है कितनी जाती है, 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में आपकी इसकी मेरिट जाएगी। कोई कैंडिडेट होगा किसी, जो आपके नॉर्थ रीजन हो गए, जो आपके अरुणाचल प्रदेश हो गए, या आपके जो हो गए असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ के राज्य में थोड़ा नहीं डाले होंगे तो वहाँ की कट ऑफ चली जाएगी 80-85, ठीक है। नहीं तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 90 से 100 के बीच में ही आपकी कट ऑफ जाएगी। 100% मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट अपने खुद दोस्तों की मैं फॉर्म डलवाया था, मैं खुद मेरिट लिस्ट देखा हूँ, आपकी 90 से 100 जाएगी, किसी की 91, किसी की 92, किसी की 93, किसी की 94। अब स्टेट गवर्नमेंट में यार जिसकी 92-90 बन जाती है वो तो यार जिला टॉप का वो तो स्टेट टॉपर बन जाता, नहीं बन जाता स्टेट टॉपर,
जब वो स्टेट टॉपर बन जाएगा तो यार वो 10,000 की नौकरी नहीं करेगा, 10वीं पास है तो वैसे भी कुछ अपना अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, वैसे अच्छी जॉब करेगा जब वो पढ़ने में इतना इंटेलिजेंस है। लेकिन फिर भी इसमें लोग अप्लाई करते हैं और आपकी जो मेरिट जाती है वो 90 से 100% के बीच में जाती है। इसमें जो अलग बंदे सिलेक्ट होते हैं वो CBSE बोर्ड के ही सिलेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी ही मेरिट इतनी ज़्यादा बनती है। फिर भी अगर आपको अप्लाई करना है तो करके देख लीजिए, बाकी जैसी मेरिट जाए, लेकिन पिछले साल की जो मेरिट गई है वो 90 से 100 के बीच में ही गई है। ठीक है, बात करें आपकी सैलरी के बारे में, तो डाक सेवक की जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी, दो पोस्ट रहेंगी, डाक सेवक की सैलरी मिलेगी 10,000 प्लस में आपका अलाउंस मिलेगा, जितने भी अलाउंस मिले जैसे कि TA DA HRA उन सभी को मिला के जो सैलरी बनेगी मुश्किल से आपकी सैलरी बनेगी 18 से 20,000, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। बात करें पोस्ट मास्टर की, तो इसमें जो इनहेंस सैलरी आएगी वो रहेगी 12,000 और इसमें अलाउंस मिलाओ तो बन जाएंगे 24,000, इससे ज़्यादा इसमें सैलरी नहीं रहेगी। लेकिन जॉब इसकी मस्त रहती है, गाँव में ही आपको रहना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं है और गाँव घर बैठे आपके इतने मिल रहे हैं 20,000 तो भी बहुत बड़ी बात है, वो गाँव में रहना पड़ रहा है तो सब कोई करना चाहेगा, गाँव में इतने रुपये मिल रहे हैं तो बहुत है। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी, अगर आप कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।